नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। वो 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। मोदी आज रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ग्रुप ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि आपने बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी की है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक महिला मंदिर के गर्भगृह में नोटों की गड्डी उड़ा रही है और पुजारी उसको मना करने के बजाय पूजा अर्चना करा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई ने बालासोर सिग्नल जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही हादसे को लेकर सिग्नल जेई से पूछताछ की थी, जिसके बाद से ही सिग्नल जेई अपने परिवार के साथ लापता है। 2 जून को इस हादसे में अब तक 290 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। जून के महीने में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू के चलते लोगों का दिन में खुले हुए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में लू के चलते 100 लोगों की मौत हो गई है। 600 लोग गंभीर रूप से बीमार है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में स्थित स्पेक्ट्रम मॉल में सर्विस चार्ज को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मॉल के बाउंसरों ने मारपीट की है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते रविवार की शाम से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवक एक हिंदू युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, हिंदू युवक के गले में पट्टा बांधकर उसे कुत्ता भी बना रहे हैं। प्रभास, कृति सेनन स्टारर आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म के डायलॉग को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। आदि पुरुष को सिर्फ रामायण से प्रेरित होने का दावा करने के बाद फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने अब एक और दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर मनोज मुंतशिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हनुमान भगवान नहीं बल्कि वक्त थे। इस बात को लेकर मनोज एक बार फिर फैंस के निशाने पर है। दर्शकों का चहेता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कुछ समय से गलत वजहों से चर्चा में है। शो के मेकर्स पर पिछले कुछ समय से कास्ट द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए। अब मुंबई पुलिस ने शो के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष ने काफी आलोचना के बाद भी वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन सोमवार को इस फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखी गई। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।